चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी चुनाव, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीकी चुनाव लिखेंगे इसके अंदर, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स ए फर्म, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स ए फर्म ट्राई टू यूज the best available production process, given the state of technological knowledge. Advance in technological knowledge that enables the firms to produce more output with the same quantities of inputs is called technological changes. Or technological innovations. लिखेंगे जब कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करती है तो उसमें तकनीकी ज्ञान को स्थिर माना जाता है। तकनीकी प्रगति या परिवर्तन का अर्थ यह है कि स्थिर साधनों के साथ उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना तकनीकी परिवर्तन या तकनीकी नवप्रवर्तन कहलाता है। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इसके अंदर, अपवर्ड शिफ्ट इन द टोटल प्रोडक्शन कर्व ऑफ लेबर ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस। लिखेंगे तकनीकी में परिवर्तन के कारण
श्रम का कुल उत्पादन वक्र, श्रम का कुल उत्पादन वक्र ऊपर की ओर विवर्तित होता है, ऊपर की ओर विवर्तित होता है। ये आपके पास टोटल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ लेबर है और यहां आपके पास एल कांस्टेंट है और आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ये लेवल का हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर वन। अब यदि अपन बात करें कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में वृद्धि हो रही है तो टोटल प्रोडक्शन कर्व जो है हमारा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर लेबर जो है वो जो इनपुट्स लगे हैं वो कांस्टेंट है और हमारा आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टीपीएल डबल टू, तो यहां पर आपने टोटल प्रोडक्शन लिया हुआ है और यहां आपने लेबर लिया हुआ, ये कहलाता है क्या, ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस, ड्यू टू टेक्निकल चेंज। दूसरा पार्ट लेते हैं, लिखेंगे डाउन, दूसरा पार्ट लिखेंगे डाउनवर्ड शिफ्ट इन द आइसोक्वांट, डाउनवर्ड शिफ्ट इन द आइसोक्वांट ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस, ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस लिखेंगे, तकनीकी परिवर्तन के कारण, तकनीकी परिवर्तन के कारण समुत्पत्ति वक्र का, समुत्पत्ति वक्र का नीचे की ओर विवर्तन। तो पहला आइसोक्वांट ये है और टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से आपका आइसोक्वांट पहले ये है, फिर आपका आइसोक्वांट जो है वो नीचे की ओर विवर्तित हो जाता है। यहां पे जैसे अपन ने L1 लेबर लिया और कैपिटल जो है वो K1 लिया हुआ है और टेक्निकल चेंजेस हो रहा है, तो उससे अंदर क्या हो रहा है कि मैंने लेबर की क्वांटिटी को कम कर दिया और कैपिटल की जो क्वांटिटी है उसको भी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन मेरे पास जैसे मैं कहूं कि यहां पे जो प्रोडक्शन है Q1 जो है वो 100 यूनिट का है, तो यहां पे जो Q1 है, Q2 है वो भी क्या है, 100 यूनिट है। तो यानी प्रोडक्शन लेवल सेम है और हम क्या बोलते हैं, नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएगा कि टेक्नोलॉजिकल क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। यहां पे अपन ने लिया है कैपिटल, यहां आपने लिया है लेबर। ठीक है, फिर लिखेंगे एक पॉइंट इंडोजीनियस टेक्निकल चेंजेस, फिर लिखेंगे इंडोजीनियस टेक्निकल चेंजेस, अंतजात तकनीकी परिवर्तन, लिखेंगे इंडोजीनियस टेक्निकल चेंजेस आर, इंडोजीनियस टेक्निकल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट अबाउट विद इन फर्म, ब्रॉट अबाउट विद इन फर्म थ्रू ए सिस्टमेटिक रिसर्च, थ्रू ए सिस्टमेटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रैकेट में ले सकते हैं आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी, एक्टिवली आर एंड डी ब्रैकेट बंद, एक्टिवली अंडरटेकन इन रेस्पॉन्स टू, एक्टिवली अंडरटेकन इन रेस्पॉन्स टू मार्केट सिग्नल्स, मार्केट सिग्नल्स, अंतर्जात तकनीकी परिवर्तन, अंतर्जात तकनीकी परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसके अंतर्गत, वे परिवर्तन होते हैं जिसके अंतर्गत फर्म द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके से, फर्म द्वारा एक क्रमबद्ध तरीके से अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास किया जाता है, अनुसंधान एवं विकास किया जाता है जिस प्रकार बाजार संकेत देता है, जिस प्रकार बाजार संकेत देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने देखा कि मार्केट के अंदर क्या एनवायरमेंट पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे यहाँ मार्केट के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस भी बहुत हाई हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक नई रिसर्च चली है कि सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जाए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाएगा तो पॉल्यूशन भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा, प्लस बहुत सारी चीजें इस तरह से चीजें बन के आएंगी। तो फर्म्स क्या करती है, इसको बोलते हैं इंडोजीनियस टेक्नोलॉजी। तो फर्म्स क्या ने क्या किया, जो पेट्रोल डीजल और इन चीजों पर चलने वाले जो जो टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स थे उसके ऊपर कन्वर्ट होकर किस पे आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कन्वर्ट होकर आ गए। तो ये चीज कहलाती है क्या, इंडोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू लिप्से एंड क्रिस्टल, अकॉर्डिंग टू लिप्से LIPSEY लिप्से एंड क्रिस्टल CHRYSTAL, चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल आर ऑफन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी आर ऑफन इंडोजीनियस रेस्पॉन्स टू चेंजेस इकोनॉमिक सिग्नल्स, रेस्पॉन्स टू चेंजिंग इकोनॉमिक सिग्नल्स, दैट इज दे रिजल्ट फ्रॉम रेस्पॉन्सेज, दे रिजल्ट फॉर रेस्पॉन्सेज बाय फर्म्स, by firms to the same things that induce substitutions of one input for another। लिखेंगे लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार, लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार तकनीकी परिवर्तन के अंतर्गत, तकनीकी परिवर्तन के अंतर्गत आर्थिक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन के द्वारा, आर्थिक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन के द्वारा फर्मों द्वारा अपनाई गई प्रतिस्थापित तकनीकी का उपयोग, अपनाई गई प्रतिस्थापित तकनीकी का उपयोग के परिणाम स्वरूप एक आगत का बहु उपयोग, एक आगत का बहु उपयोग फिर लिखेंगे इसके अंदर हेडिंग,
टाइप्स ऑफ टेक्निकल चेंजेस, टाइप्स ऑफ टेक्निकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन के प्रकार, तकनीकी परिवर्तन के प्रकार, इसमें लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय प्रोफेसर जे आर हिक्स, प्रोफेसर जे आर हिक्स। लिखेंगे तकनीकी परिवर्तन के प्रकारों का प्रतिपादन, तकनीकी परिवर्तन के प्रकारों का प्रतिपादन प्रोफेसर जे आर हिक्स ने किया। लिखेंगे थ्री टाइप्स ऑफ टेक्निकल चेंजेस, तकनीकी परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं, तकनीकी परिवर्तन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखेंगे न्यूट्रल तकनीकी, पहला लिखेंगे तटस्थ तकनीकी, सेकंड लिखेंगे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल सेविंग, फर्स्ट लिखेंगे लेबर इंटेंसिव और कैपिटल सेविंग, श्रम गहन अथवा पूंजी बचतकारी तकनीकी, पूंजी बचतकारी तकनीकी, सेकंड लिखेंगे कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर सेविंग, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर सेविंग, लिखेंगे पूंजी गहन, पूंजी गहन अथवा श्रम बचतकारी तकनीकी, श्रम बचतकारी तकनीकी। लिखेंगे देखिए इसके अंदर हाँ जी जैसे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि फर्म अपने आप खुद से कोई अंदर से काम करे, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। माइक ऑफ करो अपना। फर्म जो है अपने आप से वर्क करे, जैसे मैंने कहा कि सर मैंने मेरी एफिशिएंसी में सुधार हो गया, पढ़ने की एफिशिएंसी में सुधार हो गया, तो वो कहलाता है इंडोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है कि सब क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने हमारे पास वाईफाई 5G से 6G कन्वर्ट कर दिया और वो चीजें कन्वर्ट कर दी, तो वो कहलाता है एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने के अंदर अभी हमने बताया कि आइसो क्वांट नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, तो वहां पर क्या है सेम रेशो से लेबर और कैपिटल क्या होती है नीचे की तरफ क्या हो रही है डिक्लाइन हो रही है। तो यहां पे जो डिक्लाइनिंग का जो रेशो है कम है, यहां पर क्या है कि लेबर कम हो रही है और कैपिटल जो है कंपेयर टू इससे वो है, इसके अंदर क्या है और आउटपुट सेम है 100-100, यहां पर भी आउटपुट सेम है, तो यहां पर क्या है कैपिटल ज्यादा डिक्रीज हो रही है, तो कैपिटल सेविंग और ये हो जाएगा क्या कैपिटल सेविंग और लेबर इंटेंसिव, ये हो जाएगा क्या लेबर सेविंग और कैपिटल इंटेंसिव, और ये हो जाएगा न्यूट्रल, ये हो जाएगी क्या आपके पास न्यूट्रल।
न्यूट्रल टेक्नोलॉजी, ये आपके पास हो जाएगी लेबर सेविंग, और कैपिटल इंटेंसिव। ये हो जाएगी आपके पास क्या, कैपिटल सेविंग और लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, तो यहां पे जो चेंजेस हैं डेल्टा के और डेल्टा एल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के इज इक्वल टू एमपीएल अपॉन एमपी के बराबर, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसके अंदर जो है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज लेस देन वन, यानी डेल्टा के इज लेस देन डेल्टा एल, डेल्टा के जो है कम है और डेल्टा एल का जो पार्ट है वो ज्यादा है। यहां पर आएगा क्या, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल के, यह आएगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज ग्रेटर देन वन, तो यहां डेल्टा के इज ग्रेटर देन डेल्टा एल है। या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एमपीएल इज ग्रेटर देन एमपी के, इसको बोल सकते हैं अपन क्या, एमपी एल इज लेस देन एमपी के। और अपन ने इसके अंदर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम बात करें तो यहां पे लिखेंगे कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल। और यदि अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा इज लेस देन, एक मिनट, अल्फा अपॉन बीटा जो है वो क्या आएगा, लेस देन वन, तो ये आपके पास हो जाएगी क्या, लेबर सेविंग और कैपिटल इंटेंसिव। और यहां पे आएगा क्या, अल्फा अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन वन अकॉर्डिंग टू कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का जो प्रोसेस है वो इस तरह से अपन इसके अंदर करके हुए लेके आते हैं। इसमें लिखेंगे एक पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट द टेक्निकल चेंजेस इज न्यूट्रल इफ मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द सेम रेशियो ऑफ इनपुट्स इट मीन्स लेबर एंड कैपिटल। लिखेंगे तटस्थ तकनीकी के अंतर्गत, श्रम व पूंजी का अनुपात को स्थिर रखते हुए, अधिक मात्रा में उत्पादन करना होता है। सेकंड लिखेंगे इफ ड्यू टू टेक्निकल चेंजेस द फर्म प्रोड्यूस मोर आउटपुट बाय यूजिंग द फर्म प्रोड्यूस मोर आउटपुट बाय यूजिंग रिलेटिवली लेस लेबर पर यूनिट ऑफ कैपिटल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विल बी लेबर सेविंग
लिखेंगे श्रम बचतकारी तकनीकी के अंतर्गत, श्रम बचतकारी तकनीकी के अंतर्गत तकनीकी में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि, तकनीकी में इस प्रकार परिवर्तन किया जाता है कि किया जाता है कि श्रम की पूंजी की तुलना में कम मात्रा का उपयोग किया जाता है, श्रम की पूंजी की तुलना में कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तीसरा लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिलेटिवली लेस कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिलेटिवली लेस कैपिटल देन लेबर, लेस कैपिटल देन लेबर इज यूज टू प्रोड्यूस ए, इज यूज टू प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट, गिवन आउटपुट so that capital labor ratio falls, so that capital labor ratio fall it will be capital saving, it will be capital saving technological changes, capital saving technological changes likhenge पूंजी बचतकारी तकनीकी के अंतर्गत, पूंजी बचतकारी तकनीकी के अंतर्गत श्रम की अपेक्षा पूंजी की अधिक, श्रम की अपेक्षा पूंजी की अधिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, मात्रा का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है तो ये हमने आपको तीन प्रकार की तकनीकी बताई। यहां पर क्या कि लेबर और कैपिटल का जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। यहां पर क्या हो रहा है कि लेबर ज्यादा सेविंग हो रही है कैपिटल के कंपैरिजन में, तो इसको बोलेंगे लेबर सेविंग कैपिटल इंटेंसिव। यहां पर क्या हो रहा है कैपिटल की सेविंग ज्यादा हो रही है और लेबर की कम हो रही है, इसको बोलेंगे क्या, कैपिटल सेविंग और लेबर इंटेंसिव। ये जो कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का वो किसने दिया था, प्रोफेसर जे आर हिक्स ने इस प्रकार की तीन टेक्नोलॉजी को बताया था। तो ये अपना टॉपिक जो है इसका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का वो अपना यहां पे कंप्लीट होता है।